जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार स्पेशल एबल्ड पर्सन को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा इशू किया गया है। इस समय हम ठीक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जम्मू के बाहर मौजूद हैं और यहां पर आपको बताते चलें कि आरटीओ जम्मू इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और चंदीप सिंह जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और जो काफ़ी देर से मांग कर रहे थे कि उन्हें लाइसेंस मिलना चाहिए लेकिन आज ने लाइसेंस मिला। तारा सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से इन्हें लाइसेंस मिल गया, क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है आज। लेकिन इससे पहले मैं कह दूँ कि ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं टैक्वांडो और स्पोर्ट्स में, हमने इनके लिए एक स्पेशल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था। जो इनकी जो अडेप्टिव व्हीकल है उसमें इन्होंने अच्छे से अपने वो सारे ट्रायल पास किए जो रिक्वायर्ड थे और नॉट ओनली दैट उसके बाद कई 20-25 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पर इनकी जो मल्टीपल स्किल्स हमने टेस्ट की हमारे जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सदारत में एक स्पेशल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था, रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर साथ थे, तो इन्होंने पूरी तरह से चेक करके हम पूरी तरह से मुतमिन हैं और खुदा ने इनको बड़ी सलाहियत दी है, बड़ी कुव्वत दी है और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी बॉडी में कि एक बहुत अच्छे ड्राइवर साबित हुए। तो हमने अपने जाब्तों के तहत अपने आप को मुतमिन करने के बाद ये फैसला किया कि आप ये लाइसेंस के लिए पूरी तरह से मुस्तैक हैं, डिज़र्व करते हैं, तो आज हमने इनको बुलाया ताकि इनको वो लाइसेंस मुहैया करवाया जाए। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि और भी जो लोग हैं उनको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जहाँ हिम्मत हो और वो करने की जरूरत हो, डेडिकेशन हो, तो कोई भी जो ऑब्स्टेकल है वो इनसरमाउंटेबल नहीं है, सर किया जा सकता है। इन्होंने पूरी तरह से साबित किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो चाहे वो ड्राइविंग स्किल्स हो। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से लगातार आप मांग कर रहे थे कि हमें जो मेरे को लाइसेंस मिलना चाहिए लेकिन आज आपको लाइसेंस मिल गया? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सर का, साथ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर का, जेटीसी सर का, आरटीओ सर का, एआरटीओ मैम का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर आकर सपोर्ट किया कि मुझे ट्राई लेके मुझे लाइसेंस देने का, जो मतलब 3 से 4 साल हो गए थे मेरे को ये ड्राइविंग करते हुए, बट आज फाइनली वो चीज़ पूरी हो रही है। मैं पूरी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ों को कभी कभी टाइम लगता है बट वो होती ज़रूर है, तो फाइनली मेहनत एक मुकाम पे पहुंची है, तो लाइसेंस आज इशू हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। अर्जुन सर क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर जिस तरह से पहला बार ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में देखने को मिला है कि एक स्पेशली एबल्ड पर्सन को लाइसेंस जो है वो आज इशू किया गया है? चंदीप सिंह जिसको हमने एक लाइसेंस दिया है कल, और आपको बड़ी हैरानगी होगी सुन के कि हम जो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं उसके अलावा हमने इसके गाड़ी चलवाई और इसने जो है पूरे स्किल्स, जो ड्राइविंग के स्किल्स होते हैं, इंडिकेटर को यूज करना, साइड मिरर को यूज करना, सबको यूज करके जब हमारी पूरी तसल्ली हो गई तो हमने इसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कल इशू किया और आज हम इनको डिलीवरी कर रहे हैं उसके। क्या कहना चाहेंगे बाकी भी इस तरह के? बाकी जो है, बाकी जो यूथ है, हमारी जो जनरल पब्लिक है, उनको भी हमारी ये दरख्वास्त रहेगी, उनको भी है कि उनको इंस्पायर होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे एप्लीकेंट से। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और अल्टीमेटली इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तो बिल्कुल जी, चंदीप सिंह जी को कंग्रेचुलेशन जो है वो जरूर लिखिएगा क्योंकि ये कहें कि एक 2011 में एक ऐसा हादसा जो है वो इनके साथ हुआ था कि जिसके चलते इन्होंने अपनी दोनों बाजुओं को जो है वो खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद लगातार ये जो है वो मेहनत करते रहे और उन्होंने कभी ये महसूस नहीं करा कि मेरी जो है वो दो बाजुएं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं चंदीप सिंह जी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। चंदीप सिंह जी जिस तरह से ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, जिस तरह से 2011 में जो हुआ उसे याद करना भी आज मुश्किल है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी कमी महसूस नहीं हुई कि मेरी बाजुएं होती तो मैं शायद आज और अच्छा जम्मू कश्मीर के लिए करता। भैया सिंपल सी बात है, जो होता है वो चीज़ अच्छे के लिए होती है, उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकता, जो हो गया उसका कोई नहीं कर सकता, बट जो होने वाला वो हमेशा हमारे हाथ में रहता है। तो शायद से क्या पता आज मेरी बाजुएं ना गवाही होती, मैं आज इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट ना कर रहा होता या तो अपनी स्टेट के लिए नेशनल लेवल पर परफॉर्म ना कर रहा होता। तो मैं तो खुश हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी स्टेट और अपनी कंट्री के लिए, तो बस यही। मनोज सिन्हा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके घर भी आए थे और हमेशा जो आपने उनसे सपोर्ट मांगा है वो आपको बल्कि और भी जो आपकी तरह लोग हैं उन सबको दिए हैं? एलजी मनोज सिन्हा सर का तो सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा हम सबको सपोर्ट किया है, हर कदम पे एक पॉजिटिव अप्रोच रखी है हमारे लिए, तो उनका जितना धन्यवाद करना चाहूँ वो बहुत कम है। और साथ ही में जितने ऑफिसर्स यहाँ पे अभी खड़े हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर, आरटीओ सर, साथ में एआरटीओ मैम और जितने भी तमाम ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, डिपकॉम सर हो गए, एडीजी सर हो गए, तो उन्हीं की मेहनत की, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं प्रॉपर अपने ट्राइज
पास करके आज लाइसेंस मेरे को मिला। डर नहीं लगता आपको कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, या मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं थोड़ा बहुत डर नहीं लगता? भैया डर नहीं लगता, डर तब लगता है जब आप एक चीज के लिए रेडी ना हो। ऑलरेडी मैंने 3 से 4 साल इस चीज को अपने दिए हैं, पूरे दिन रात किया मैं ड्राइविंग कर करके उस चीज को पक्का किया है, तो वो डर का सवाल नहीं है, क्योंकि अब मैं इतने अपने स्किल्स में पक्का हो चुका हूँ कि वो इतना इशू नहीं क्रिएट करता मेरे लिए। बहुत बढ़िया जी, चंदीप भैया के लिए जरूर जो है वो कंग्रेचुलेशन लिखिएगा। ये आटको मैडम भी हमारे साथ है। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज चंदीप भैया को लाइसेंस मिला है, करना चाहती हूँ इसकी अपनी स्किल्स है जिसके थ्रू हमने टेस्ट लेके इसको दिया है लाइसेंस। थैंक यू टू TC सर, RTO सर एंड JTC सर। बहुत बढ़िया, तो ये कहें कि LG गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने आज इन्हें लाइसेंस जो है वो इशू कराया। और काफी देर से चंदीप सिंह जी ये कहते थे कि जनाब मैं गाड़ी चला लेता हूँ, और LG साहब से हमेशा ये अपील करते थे कि मेरे को लाइसेंस मिलना चाहिए, लेकिन आज आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू और इसी के साथ साथ RTO और ARTO या फिर SS जो भी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, और लाइसेंस जो है वो इन्हें आज इशू किया गया। तो आप सब लोग भी इसी तरह से जो है वो इन्हें जरूर जो है वो सल्यूट कीजिएगा और कंग्रेचुलेशन जो है वो लिखिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।